करता हूं। उन्होंने कहा दिल तो मेरा भी टूटा, उन्होंने कहा अभी तक नहीं जुड़ा है, पर उन्होंने कहा कि यार कोशिश बड़ी की टीम ने थी भारत की टीम इंडिया। वर्ल्ड कप फाइनल हम नहीं जीत पाए, लेकिन जिस एक खिलाड़ी ने सभी का दिल लगातार जीता उस खिलाड़ी का स्वागत कीजिए, मोहम्मद शमी। और इस सेशन को करने के लिए मेरे सहयोगी विक्रांत गुप्ता इस समय स्टेज पर आ रहे हैं। वो खाड़े में चटांग खाड़ी के चटको वर्ल्ड कप तो आपने देखा ही होगा, इतने साल से इंडियन क्रिकेट भी देख रहे हैं। तो हमारे साथ आज तक एजेंडा में वो शख्स जिसने वर्ल्ड कप जीतने की आखिरी उम्मीद तक जिंदा रखी थी, अगर आपको याद होगा तो तालियां तो इतनी कम बजी हैं मैदान में, जब 125,000 लोगों की तालियों की आवाज बस इतनी सी। अब मेरे पीछे वो जो आपने इस वर्ल्ड कप में किया, मोहम्मद शमी, पहले कुछ Shammy on absolute fire here. Oh, he's got one straight away. Little inside edge. Down to long on this time. Shipman Gill takes. Shammy picks up another wicket. Relentless. Straight to the Jamaica. This is unbelievable by India. मोहम्मद शमी, आप सबके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? अब क्या ही कहूं, आप लोग स्टार्ट करो फिर मैं बोलता हूं। आइए, आपकी आवाज में तो मुझे थोड़ा दर्द दिख रहा है अभी भी। वो है अभी भी वर्ल्ड कप हारने का, फाइनल हारने का? हाँ यार, क्योंकि जिस दिन से घर पे आए वही एक टॉपिक है, घर में भी, दोस्तों में भी, जो लोग मिलने आते हैं उन लोगों में भी, तो वो चीज रिपीट होती रहती है हमेशा। तो लगता है ऐसा यार के बहुत करीब थे, लेकिन आखिरी उम्मीद मोहम्मद शमी ही थे उस दिन भी। अगर आप फाइनल में भी देखे, जो आपने आगे दो विकेट ली, क्या उस वक्त एक्चुअली लग रहा था कि यार 240-41 में भी जीत जाएंगे? अगर सच पूछते हो तो जैसे हम लोगों ने 3 विकेट शुरू में निकाल लिए थे, तो उस टाइम पे एक मतलब कॉन्फिडेंस था कि अब हमारा 1 विकेट और निकालना है। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि यहाँ से 1 या 2 विकेट हमारे स्पिनर्स निकाल कर ले जाए तो गेम हमारा है। फिर वो शायद वर्ल्ड कप लिखा नहीं था, नसीब नसीब की होती है, आप मेहनत कर सकते हैं, देने वाला तो ऊपर बैठा है। अच्छा, आज ही कप्तान रोहित शर्मा ने बोला, उन्होंने कहा कि फैंस के लिए, उन्होंने बोला कि मैं बड़ा सॉरी फील करता हूँ, उन्होंने कहा दिल तो मेरा भी टूटा, उन्होंने कहा अभी तक नहीं जुड़ा है, पर उन्होंने कहा कि यार कोशिश बड़ी की टीम ने, लेकिन एन वक्त पर आकर हमने आप सबको लेट डाउन किया। हाँ, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखते हैं कि वर्ल्ड कप का जो जर्नी रही है हम लोगों की, डे वन से जो गेम शो किया है, जो एफर्ट दिखाया है लड़कों ने, वो पूरे इंडिया ने उसको मुझे लेकर इंजॉय किया है। और मुझे लगता है फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद 0.001 में भी कोई शायद ऐसा निगेटिव इंसान मिल जाए कि जो ये कह दे कि वर्ल्ड कप इंडिया का नहीं होगा। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा दिल को भाई थी कि हर इंसान ने दिल से वर्ल्ड कप को देखा, दिल से सपोर्ट किया, उसके लिए हम हर एक बंदा थैंक्स बोलता है, हर एक हिंदुस्तानी के लिए। अच्छा, उस दिन वो शाम वो रात हम सबको याद है। एक तस्वीर और मेरे पीछे मैच खत्म होने के बाद, जाहिर तौर पर जो 140 करोड़ लोगों का दिल टूटा, सबसे ज्यादा तो कहते हैं कि वो 15 खिलाड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और आपके पास आए, पहले वो तस्वीर आप देखिए। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार,
हमें याद कीजिए ये. एक्चुअली मैं उनको मतलब एक जोर की आवाज में थैंक्स भी नहीं बोल पाया कि पीएम आपके ड्रेसिंग रूम में आए हैं. हम लोग पता है कि हम टूटे हुए मूड से हैं, टूटे हुए दिल से हैं. मतलब इतना 2 महीने की मेहनत, इतना लंबा टाइम हम लोग इतना अच्छा क्रिकेट खेल कर आए हैं और एक दिन पर डिसाइड हो गया. एक 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 शायद कोई गलती हुई हो या शायद कोई बैड डे रहा हो, उस पर सब डिसाइड हो गया. उसके बाद सारे, आपको पता ही है, हारने के बाद सबके फेस दिख रहे हैं कि हाँ अब पीएम आए हैं तो आपको उनको मतलब सम्मान देना ही होगा, हेड हाई करना होगा उस टाइम पे. क्योंकि एक सरप्राइज टाइप था हमारे लिए कि हमें किसी ने बताया भी नहीं था कि मोदी जी वहाँ पे आ रहे हैं. सडनली किसी के आगे प्लेट रखी थी तो वो रखी थी, खा नहीं रहे थे. मतलब कोई बात करना की कोशिश भी नहीं कर रहा था, एक दूसरे से बैठे थे एक टेबल पे कि हुआ क्या. ऐसा सरप्राइज सा था हम लोगों के लिए. तो सडनली सब देखकर शॉक हो गए थे एकदम से. फिर आए, मोदी जी ने बात की और वो हमारा एक्चुअल में उसके बाद हम लोगों ने बात करना शुरू किया एक दूसरे से. मतलब कि अब चलो लेट गो करते हैं कि हाँ थोड़ा सा मूव ऑन होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए. तो एक्चुअली उससे बहुत बिल्ड हुआ जब वो आए वहाँ पर, सबसे एक दूसरे से वन बाय वन बात किए और ऐसे बात किए कि हाँ जो जरूरत थी शायद उस टाइम. अच्छा ये तो मैं ड्रेसिंग रूम की आप पता नहीं बात बताना चाहते कि नहीं, बट अक्सर इस तरह की कोई बात हो तो कहते ना मर्द भी जो है वो बच्चा ही होता है. कई खिलाड़ी मैंने सुना रोए भी थे, आप भी थे उनमें से एक? हाँ थे, क्योंकि यार हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स दोबारा ना खेल पाए वर्ल्ड कप या उस वर्ल्ड कप का हिस्सा ना हो जो है. हो सकता है मैं भी उनमें से एक हूँ, कोई भी हो सकता है उसमें. लेकिन एक चीज ऐसे होता है ना कि एक चीज सामने रखी है बिल्कुल आपके और वो आपके हाथों के आगे से चली जाए, ऐसा लग रहा था उस टाइम. तो आंसू से तो सबके पास थे. बड़ा मुश्किल था वो दिन हम सबके लिए भी. लेकिन शमी आपके लिए वर्ल्ड कप बड़ा जबरदस्त था. अच्छा वर्ल्ड कप की शुरुआत में तो मोहम्मद शमी बाहर बैठे हुए थे. सुरेश रायना आज तक पर हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट थे तो उन्होंने आपको, वो कहीं मिले होंगे तो उन्होंने आके बताया कि पाजी शमी ना अंदर से बहुत भरा हुआ है. आपने शायद उनको कहा था कि जिस दिन मौका मिला ना मैं भगा भगा के मारूंगा. यार देखो मैं हमेशा, सब कहते हैं कि यार मेहनत का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि टीम को कब मेरी ज़रूरत है, कब मैं टीम के लिए परफॉर्म करने के लिए ग्राउंड पर होता हूँ, वो चीज़ों का वेट करता हूँ. कभी मैंने कंप्लेन नहीं की है. तो कई सारे लड़कों से बात हुई थी जो साथ में हैं, दोस्त भी हैं, साथ में खेले भी हैं, मायूस तो नहीं है, या फिर वो वैसे क्वेश्चन आते हैं कि डोंट वेरी नंबर आएगा ये. क्योंकि सबको पता है कि जब जब मैं क्रिकेट के लिए मैं ग्राउंड पर उतरा हूँ मेरे से बेटर मुझे नहीं दिखता है. क्योंकि मैं जानता हूँ मैं 100% दूंगा, मैं अपने आप को बेस्ट मान के ग्राउंड पर उतरता हूँ. लेकिन इतना कॉन्फिडेंस था आपका न्यूजीलैंड वाले मैच में कमबैक हुआ, वो सवालों के जवाब मैंने हाँ वैसे ही दिए थे जैसे उन लोगों ने बोला है कि हाँ यार जिस दिन मिलेगा ना उस दिन बताऊंगा मैं इनको. लेकिन अच्छा हुआ सब कुछ, फिर वही बात आ जाती है कि लास्ट में वो सामने से जाते हुआ दिखता है तो वो फिर बहुत अपसेट होता है. एक सुनहरा मौका था और आपके ड्रेसिंग रूम में दो खिलाड़ी ऐसे थे भी जो 2011 वाली जीत का हिस्सा थे. तो कभी कभी होता ना ऐसे, आप वो उस सपने को 4 साल बिल्ड करते हैं, फिर वो 2 महीने आते हैं और फिर बात होती है यार 2011 की रात ये हुआ था. श्वेता यहाँ पे बैठी है, ये कवर करने भी गई थी मुझे याद है, और सारी रात आई थिंक खिलाड़ी उस वक्त जश्न मनाते रहे. लेकिन ये दिक्कत कहाँ आ जाती है हमेशा, ये पिछले कई साल से हमने देखा है कि वो कोई नॉकआउट का बड़ा मैच आता है वहां पर हम रह जाते हैं. दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकता है कि शायद कुछ प्लेयर्स को हो कि प्रेशर तो हर किसी को होता है यार. जब आप कंट्री के लिए खेलते हैं, कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, वो हर डिपार्टमेंट में होता है. जब आप एक अच्छा मतलब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं तो प्रेशर तो हर जगह होता है. आज को मैं भी बोल दूं कि हाँ मुझे प्रेशर नहीं था या नहीं था, प्रेशर सबको होता है. प्लानिंग सबको करनी पड़ती है, प्लान सबके होते हैं, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन हम शो नहीं करते हैं कि हम कितने प्रेशर में हैं. हो सकता है कि प्लेयर्स प्रेशर में रहते हों, या फिर हो सकता है कि हमारे डिसीजन कुछ कुछ गलत हो जाते हैं. कभी कभी ऐसा होता है चीज़ें टॉस पे चेंज हो जाती हैं,
क्योंकि जब डे नाइट मैच होते हैं तो बहुत बहुत चेंजेस होता है, जब दिन में हम बॉल करते हैं और रात को जब हम बॉल करते हैं बहुत बहुत डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी, अब जैसे हम लोग मानते हैं कि हमने विकेट चूज़ किया, अब जो सुनने में आ रही हैं बातें कि हमने गलत विकेट चूज़ किया कि नहीं यार, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार रन थोड़े से कम रह गए, तो सब चीज़ सब लोग देख रहे हैं, लेकिन जब हम फील्ड पे होते हैं हम सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं कि अब ये हमारे लिए यही बेस्ट है, तो कोशिश उसी में कर रहे थे। तो डे वन से हमारा यही है, जीतेंगे तो एक साथ जीतेंगे और हारेंगे भी तो एक साथ हारेंगे। हम जब फाइनल में आए थे हमारा एक ही मूड था, सब एक साथ हैं, किसी को कोई ब्लेम नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, आज तक अच्छी क्रिकेट खेली है, आज भी अच्छी खेलेंगे, जो बेस्ट होगा वो करेंगे, शायद लक नहीं था या बैड डे कह सकते हैं। आप 15 वर्ल्ड कप में भी थे, 19 में, 23 में, लेकिन इस बार दुनिया ने, पूरी दुनिया की क्रिकेट ने ये कहा कि भाई इंडिया के पास जो पेस अटैक था वैसा किसी ने देखा, और इतना खौफ 70s में वेस्ट इंडीज हो या उसके बाद की ऑस्ट्रेलिया हो, इतना खौफ तो वाकई में कभी किसी वर्ल्ड कप में किसी बॉलिंग लाइनअप का नहीं था। वो चीज यार मुझे भी फील हुई, क्योंकि जब से हम पैदा हुए जब से यही सुनते आ रहे थे कि इंडियन बैटिंग ऐसी है कि किसी के पास नहीं है, हम यही सुनते आते थे, और वो हकीकत भी थी। क्रिकेट में इंडिया की क्रिकेट को जानते थे लोग, बैटिंग के नाम से जानते थे, बैटिंग के लिए जानी जाती थी कि उनको आउट करना बहुत मुश्किल है, ये है वो है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में पिछले 7-8 साल में जो हम क्रिकेट खेले हैं, वो क्रिकेट और जो इस वर्ल्ड कप में खेली है, मुझे लगता है कि 80% पब्लिक ने इंजॉय किया होगा कि हमारी जो इंडियन बॉलिंग लाइनअप थी, क्योंकि लोग ग्राउंड पे भी मैंने चिल्लाते हुए लोग सोचे कि उसको बोल दो, इसको बोल दो, मतलब एक अलग ही माहौल था यार, कि क्या बोलते हैं उसको, कि नेक्स्ट लेवल। आप इमेजिन नहीं कि मतलब ऐसे बॉडी में ऐसे खून ऐसे पंप होता था कि हाँ यार अब मैं जाके करूँगा, तो वैसा होता था जब, क्योंकि पब्लिक इंजॉय कर रही थी बॉलिंग, क्योंकि हम लोगों ने अगर 250 बनाया तो 150 में आउट, हमने 300 बनाया तो 200 में आउट, हम जान ही नहीं दे रहे थे, तो बॉलिंग इंजॉय कर रहे थे सब लोग, क्राउड ने भी बहुत इंजॉय किया और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ। अच्छा, न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद आपने फिर न्यूजीलैंड में 5 विकेट ली, फिर इंग्लैंड, फिर श्रीलंका, फिर आ गया सेमीफाइनल। अब सेमीफाइनल में बोर्ड पे तो 400 रन थे, लेकिन एक स्टेज पर तो ऐसा लग रहा था कि कहीं 400 चेस भी ना हो जाए, और फिर दोबारा से आते हैं मोहम्मद शमी। सच में उस टाइम तो लग रहा था, क्योंकि बानखेड़े पे मैच है, आप बाउंस ट्रू रहता है वहां पे, आपको पता है कि वहां 400 भी बन जाएंगे, अगर आपके पास सेट बैट्समैन खड़े हैं तो आपके 400 रन कोई माने नहीं रखते उस विकेट के ऊपर, क्योंकि बॉल ट्रैवल करता है, बॉल बाउंस पे आता है, पेस अच्छी होती है, तो होता है कि हाँ रन पे सेफ नहीं होते, क्योंकि आप जो एक टीम जो बराबर की टीम आपके सामने खेल रही है वो भी बना सकती है, और जब जब आप सेकेंड बॉलिंग कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर ड्यू भी होता है, बॉल थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहता है, इजी आने लगता है बैट पे, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं उस टाइम। वो जैसे मैं अभी बोला था कि दोपहर में बॉलिंग करना और रात को बॉलिंग करना बहुत अलग चीज़ होती है, कहानी गड़बड़ कैच छूटने पे हुई थी। आपने कैच छोड़ा? मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे भी मैं कैच छोड़ सकता हूँ, बट ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन कैच छूटने के बाद मेरे दिमाग में आया था कि अब ये आउट हो जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ, क्योंकि दोनों सेट खेल रहे थे, बहुत जरूरी था। दिमाग में उस टाइम पे मुझे प्रेशर आया था, मैं अगर कहूँ कि हाँ नहीं सोचा या लोगों को नहीं लगा कि इस पे प्रेशर नहीं था तो लोगों को नहीं पता चला, लेकिन अंदर से मेरे ऊपर प्रेशर था, और एक भी बैड कमेंट्स या बैड फेस स्क्रीन पर दिखाते हैं, जो शॉकिंग फेस दिखाते हैं, वो भी मुझे देखने को नहीं मिला कि हाँ किसी ने मेरे लिए खराब रिएक्ट किया हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब बॉलिंग आई तो बस एक ही चीज़ दिमाग में थी, जब मैं रनअप पे था मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, या तो ये मुझे 3 छक्के मारेगा या मैं इसको आउट करूँगा। मेरे एक ही चीज़ दिमाग में थी, क्योंकि कैच मेरे से छूटा था, मैंने सोच लिया था, मैंने चाहे जो हो जाए, इन 6 बोलो मैं, या तू 3 छक्के मार या भाई अपना विकेट दे के जाएगा। विकेट दे के नहीं जाएगा, विकेट लूंगा। लेने की तो कोशिश 6 बॉलों में करनी थी, जब 3 छक्के मार खाने का इरादा कर लिया है कि मैं खा लूंगा तो मुझे विकेट लेना ही है, किसी भी कंडीशन में मुझे विकेट चाहिए था। वो कप्तान आए आपके पास?
उस वक्त जब विकेट नहीं मिल रही थी, कैच छूट चुका था, उस बॉल डालने से पहले, उस स्पेल से पहले। नहीं नहीं, किसी ने भी बुरा मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हाँ सबने यही, हम लोग छूट जाता है नेक्स्ट बॉल के लिए तैयार हो जाते हैं, उस कैच के बारे में किसी ने कोई डिस्कस नहीं किया ऐसा। नहीं नहीं, आपने जब स्पेल शुरू किया, जब स्पेल शुरू हुआ था तो वही था कि हाँ उसको भी पता था, मेरे को भी पता था कि विकेट की यही एक जरूरत है, अगर मिचेल आउट हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम ट्राई उसका कर रहे थे पहले कि वो आउट होना चाहिए, क्योंकि वो लंबी इनिंग और स्ट्रॉन्ग इनिंग खेलता है, तो वहां पे वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, तो स्लोअर पे आउट हुआ। अगले आउट हुआ फिर नहीं रोक सकते थे, फिर क्योंकि वो एक जगह कंप्यूटर की गेम हो गई। उसके बाद उसके बाद आपने वक्त ही नहीं दिया, मैच ऐसे ऐसे करके खत्म हो गया। बट यार एक बार को लगा था कि कहीं बन ना जाए बॉल, तो ऑब्वियसली 7 विकेट लिया, हर इंसान अपनी तारीफ करेगा या लोग भी सामने वाले भी तारीफ करेंगे, 7 विकेट उतना इजी वनडे क्रिकेट में नहीं है, नहीं। तो हर आदमी पेड़ पे चढ़ जाएगा उस टाइम के, हाँ अगर मैं अभी हूँ अपना कॉलर खड़ा करके चलूँ ये वो, बट हमें पता था बीच में क्या कंडीशन हो गई थी हमारी, सबको पता था वो बात। बट बहुत मतलब वो मैच जीतने के बाद इतना रिलैक्स हुआ था ना दिमाग, पूरा टूर्नामेंट में नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर फाइनल की तैयारी? फिर तो हाँ फाइनल की तैयारी के लिए 2-3 दिन थे, आप जस्ट प्रिपरेशन ये सब। आपने कहा कि फाइनल में ना एक प्रेशर आ जाता है, क्या वो उम्मीदों का पहाड़ होता है, क्योंकि हम सब लोग फिर बना देते हैं ना कि वर्ल्ड कप ही जीतना है। आपको होटल में आपके कोई आकर आपको खाना दे रहा है तो भी कहता है वर्ल्ड कप जीतना है, आपका कोई दोस्त फोन करता है वो भी कहता है वर्ल्ड कप जीतना है, क्या इन चीजों से उम्मीदों का दबाव बनता है? मेरे दोस्त और भाई तो ऐसे फोन करके बुलाया इन लोगों को कि आ जाओ भाई फाइनल है, तो उनको कोई लेना देना नहीं, वो उनको पता है कि हाँ फार्म हाउस में बड़ी स्क्रीन लगानी है, हमें सुकून से एक चीज को 10 बार दिखाएंगे। ग्राउंड में एक बार निकल गई तो लोग ताली बजा रहे हैं कि हुआ क्या, आउट हो गया। वैसे तो घर वाले इतना जाना वहां पे पसंद नहीं करते, फिर क्राउड बहुत ज्यादा, बच्चे थोड़े इरिटेट हो जाते हैं, तो बहुत कम मैचेस देखे मेरी फैमिली ने, और दोस्त लोगों के तो मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि मैं जब घर आऊंगा क्रिकेट की बात नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कोई वैसी बात कर लो यार जो मुझे क्रिकेट से रिलेटेड ना हो, क्योंकि मैं साल के 12 महीने तो क्रिकेट में रहता हूँ, तो होती है कितना भी मना करो, 80% बातें क्रिकेट पे होती हैं, घुमा फिरा कर होती हैं, मतलब कहीं से भी घूम कर आएगी आएगी क्रिकेट पे वो। बट फाइनल की जहाँ तक बात है, देखो कहने को कुछ भी कह लो आप, प्रेशर तो होता है, फाइनल आप एक वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो, आपको प्रिपरेशन भी लगती है, आपको प्रेशर्स भी होता है, और हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी चीज बना देते हैं, पहले से ही सोचना शुरू कर देते हैं पहले से कि हाँ ऐसा होगा ऐसा। हम तो अभी से कह रहे हैं ना अगले वर्ल्ड T20 उसकी बात अभी करेंगे ना थोड़ी देर में। अच्छा, एक और तस्वीर है जो आप ही ने कल वीडियो दिखाया है, मोहम्मद शमी जहां पर रहते हैं, अब इनके घर के बाहर की तस्वीर देखिए, एक वीडियो देखिए आप जरा, कल आप ही ने अपने इंस्टाग्राम पे डाला है, इनका कमाल है सब। ये देखिए, अब ये इनके साथ तस्वीर खिंचाने की लाइन है, मेटल डिटेक्टर से गुजर कर एक एक कर आप तस्वीरें खिंचा रहे हैं, ये देखिए। अब इस डिमांड को आप कैसे लेते हैं? ये तो बहुत कम, शमी भाई आप तो हमारे भाई हो, एक तस्वीर हो जाए। अरे भाई ये तो बहुत कम है, ये तो जब मैं जिम कर आया उसके बाद की बात है, ये तो शाम हो गई थी, दिन में तो ऐसे लगाते हैं मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, शमी भाई की जय हो, शमी भाई जिंदाबाद, मैंने भाई मैं क्या कर रहे हो आप लोग, मैंने आप एक काम करो आप सर्कल बनाओ, बड़ा सा सर्कल बनाओ, सेल्फी ले लो आप। बोले नहीं शमी भाई मुझे एक सेल्फी चाहिए, मुझे एक सामने से चाहिए, वो जब से ये सेल्फी आया मेरा खून पी गए हम लोगों के, क्योंकि आदमी जब सामने के कैमरे से खींचता है ना तो वो सेटिस्फाई है ही नहीं आज की डेट में, क्योंकि उसका सामने से वो एडिट का सिस्टम चल रहा है कि भाई कौन कहाँ एडिट कर देता पता ही नहीं चलता, तो कहते हैं सर एक लेगा पहले, इंसानियत से अगर आपने करा दी उसको लग गया कि हाँ ये आदमी कंफर्टेबल है तो सर एक सेल्फी हो जाए, फिर सेल्फी निकाल के फिर सेल्फी खींचेगा, फिर ऊपर के एंगल से लेगा इधर से,
जब तक उसको पूरा कंप्लीट कहा हाँ मुझे पिक्चर मिल गई है तब तक नहीं जाने वाला वो। इस दिन पे तो मम्मी भी थी घर पे। अच्छा मम्मी को एक्चुअल में क्या है, मम्मी गांव में रहना ज्यादा पसंद करती है, हम लोग सिटी चले जाते हैं तो मम्मी रोज रात को सोने वहीं जाएंगी, विलेज ही जाना है उनको। तो हम सुबह पहले मुरादाबाद से सीधा विलेज जाएंगे, मम्मी को साथ में लेंगे, फिर फार्म पे आएंगे, सब फार्म पे रहेंगे, सब रात को खाना खाएंगे, मम्मी को ड्रॉप करेंगे, फिर घर पे जाएंगे। मुझे याद है कोविड के जमाने में आपने वहां पर पिच भी बनाई थी, और मुझे याद है एक इंस्टाग्राम लाइव मैंने आपके साथ किया था जहां आपने वो पिच दिखाई भी थी। लेकिन आपने एक बात और बोली थी, शायद यहां पर बैठे लोगों को याद हो या ना हो, आपने कहा था कि एक फेज ऐसा आया मेरी जिंदगी में जहां मैं सुसाइड करना चाहता था। आज पीछे मुड़कर आप इस बात को सोचते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ कि मैं इतनी बड़ी बात कर गया? अब नहीं सोचता और ना जरूरत है सोचने की। लेकिन उस दौर से आप कैसे निकले? हर आदमी की लाइफ में आता है ना एक फेज, शायद अब सोच वही सोचता हूँ कि शायद वो बैड फेज था या खराब टाइम था या कुछ भी बोल लो उसको, बट अब कभी नहीं सोचता उसके बारे में। अच्छा मैं वो टाइम के बारे में कभी नहीं सोचता मैं। अब मैं आज में जीता हूँ, आज मुझे पता है ये भैया लोग बैठे हैं, एक दिन पहले दिन बोले जिस दिन वर्ल्ड कप से आया था मैं, अब तो मैं आज में खुश हूँ। पहले दिन आया ये बोले यार थोड़े से लोग हैं 10-20 लोग हैं फोटो खिंचा ले, वो हमने खिंचा ली और 20 जन ने 20-20 को फोन किया जाके, वो अगली सुबह में 150 हो गए। अब वो 150 को करा दिया किसी सूरत में, और 150 ने 500 को कर दिया, अब 1000 है। तो मन्नत के बाहर भी तो ऐसे होता ना शाहरुख खान भाई, के घर उसमें नहीं जाना मैं बहुत छोटा आदमी यार, ये कम नहीं है। नहीं, मुझे उतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं बनना है भाई, बट हाँ कोशिश करता हूँ अगर कोई मुझे प्यार करता है, कोई मेरे साथ पिक्चर खिंचाना चाहता है और मेरे पास टाइम है तो मैं जरूर उसको फोटो खिंचाता हूँ। इवन अगर मैं गाड़ी से निकल भी रहा हूँ बाहर कुछ लोग हैं तो जितना पॉसिबल है भाई ले लो 2-4 मिनट मैं कर लूंगा। अच्छा गाड़ियों का आपको शौक है वो आपकी रील्स में दिखता है, जब मसरूफियत हो आप क्रिकेट ना खेल रहे हो तो आपको और क्या क्या शौक है? गाते हैं आप? नहीं यार मैं गाता नहीं, मैं सोचता हूँ कि हाँ यार 2-4 ऐसे टैलेंट पकड़ूंगा जो कंट्री को जरूरत होगी, जिनको जो कंट्री के लिए कुछ कर सकें, लाइक अगर मुझे लगा कि कोई अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं या फिर अच्छा टैलेंट है तो मैं शायद उनको अपने अंडर में लेकर उनको तैयार करके दूं। मतलब क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट वो तो लाइफ में है क्योंकि ब्लड में है ना, क्योंकि पापा भी खेलते थे, भैया लोग भी खेलते थे, अब मैं हूँ, अब छोटे बच्चे हैं, वो तो बच्ची इनकी लड़की है छोटी सी, उसको भी वो बैट ही चाहिए उसको। अच्छा शायद मेरे हाथ में ये गेंद है, ये स्पेशल गेंद है जो पाकिस्तान से एलिगेशन आया था ना, आपको याद है ना पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर ने बोला था कि इंडिया के बॉलर्स को एक अलग तरह का बॉल दिया जाता है, कहीं अलग से बनती है ये, पकड़ो आप, ये अलग है या कैसा है, इसमें कोई डिवाइस लगी है? लेकिन जहां जब इसका सवाल आया तो हाँ इतने बेवकूफी के सवाल कैसे बोल सकते हो आप ऑन स्क्रीन, मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि हंसी आती यार कभी कभी तो सोचकर भी, क्योंकि शायद उससे 2 या 3 दिन पहले ही वसीम भाई ने उस चीज को समझाया था, वसीम अकरम, हाँ, कि अंपायर्स आते हैं बॉक्स लेकर, हम चूज करते हैं, वो अंपायर्स को वापस दी जाती है, अंपायर्स सीधा ग्राउंड में लेके जाते हैं, वैसे ही होता है, 4-6 बॉल होती चूज कर ली जाती हैं। अब ये बॉल कहाँ से आई है, डिवाइस कहाँ से लगी है और स्विंग किधर करनी है, ये कैसे पता चलेगा? एक और मैं सोच रहा था उस पर एक वीडियो बनाता हूँ, फिर मैंने बनाई नहीं क्योंकि हंगामा ज्यादा हो जाता। किस तरह का वीडियो? मैं बॉल लेकर उसको तोड़ के दिखाता कि इसमें कुछ है या नहीं है, ये वाला तोड़े मैं उसको काटता पहले बीच में से, इसमें कुछ है नहीं है, अगर फिर उनसे सवाल पूछता कि भाई अगर मैंने इसमें डिवाइस लगाई भी है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हमने डिवाइस लगाई है इसमें, क्या पता बटन उल्टा दब जाए इसमें डाली अंदर के लिए बाहर भाग गई उसमें छक्का पड़ गया फिर, सही बात है। लेकिन यार इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपकी, खेला हुआ इंसान ऐसी बातें करता है, ये बहुत खराब चीज है, ये मतलब यंगस्टर्स के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि ये ऐसी नॉलेज की मुझे नहीं लगता कि किसी को जरूरत है और ना ही बोलनी चाहिए ये सब चीजें। अच्छा एक और सवाल इसी से जुड़ता हुआ, आपको याद होगा
एक मैच था जहां पर आपने आई थिंक पांचवा विकेट लिया और आप जमीन पर बैठ गए, और फिर पाकिस्तान से ही ये सोशल मीडिया पर आया कि देखो मोहम्मद शमी जो है वो इंडियन मुस्लिम है, सजदा करना चाहता है, बट वो एकदम डर गया, इंडिया में घबरा के कर नहीं पाया। यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा? मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोकेगा, अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना, इसमें दिक्कत क्या है? मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ हाँ मैं इंडियन हूँ, इसमें क्या दिक्कत है भाई? भाई हमारे यहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे तो फिर यहाँ इंडिया में रहना नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे जरूरत पड़ती किसी की परमिशन की तो फिर मैं रहूंगा ही क्यों यहाँ पे? लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत सारी चीजें मैंने भी देखी वो इंस्टाग्राम ट्विटर पे कि मैं सजदा करना चाहता था नहीं किया। अरे भाई जिंदगी में पहले कभी किया है मैंने कि मैं 5 विकेट लेके, 5 विकेट तो पहले भी दिए, मैंने तो सजदा नहीं किया। लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझे बताओ ना कहाँ करना है मुझे सजदा, मैं इंडिया के हर मंच पे करूंगा और मुझे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाए। नहीं, ये चीजें सोच हमारी, हमें कहाँ डिस्टर्ब करना है वो सोच होती है इन लोगों की। ये लोग ना तो आपके साथ हैं ना मेरे साथ हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, ये केवल चुगलखोरी से प्यार करते हैं। इनको कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए। मैं 5 विकेट लिया क्योंकि मैं 5 विकेट लिया, शायद 6ठा ओवर था वो, और मैं उस एफर्ट से डाल रहा था कि मेरी लिमिट के बाहर डाल रहा था मैं एनर्जी। हाँ, क्योंकि 3 तो आउट हो ही चुकी थी। अब मेरे दिमाग में ये थी कि ये 3-4 ओवर में मैं 5 करके जाऊं यहाँ से, अब क्योंकि 3 मिल गए थे मुझे शुरू में, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं फुल एफर्ट से 200% से डाल रहा था उस टाइम, जो मेरे अंदर एबिलिटी उससे ज्यादा ही फेंक रहा था मैं। मैं थक चुका था, वो आउट नहीं हो रहा था, बीट हो रहा था। जब 5वां आउट हुआ तो मैं घुटनों पे बैठा था। अब उसने जब बाल ऐसी की तो मैं आगे झुक गया, लोगों ने उसका तो मीमी बना डाला। और भाई इतने फ्री लोग हैं ना दुनिया में, मुझे नहीं लगता कोई किसी और कोई काम ही नहीं है उन लोगों को। एक और है मेरे ख्याल, इनके पास भी काम थोड़ा कमी होता है। आइए। अबे भाई ताली बजाओ, आज मेरे अंदर का एनिमल जाग रहा है क्योंकि मेरा फास्ट बॉलर आया हुआ है। मैंने कहा खूब जमा का रंग मिल बैठेंगे 3 यार, विक्रांत शामी और नाम तो बताओ। नाम बताना पड़ेगा मुझे, नमस्ते कर पहले बच्चे। धर्म पाजी हैं। ओए, धर्म पाजी की जय। लस्सी है, ये लस्सी ठीक है, इसको बाद में पियेंगे, पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ बच्चे के लिए, उससे पहले अपने लिए कहूंगा 2 लाइनें। भाई ये एजेंडा ये मेरे बिना होता है ठंडा, लेकिन एक है ये बंदा जिसने फहराया हमारे देश का झंडा, इसकी बॉलिंग में नहीं निकाल सकता इवन विक्रांत गुप्ता कोई खामी। जोरदार ताली फॉर मोहम्मद शमी। मेरी स्कर्ट की तरफ देख रहा है, नई सिवाई है मैंने, और तू मेरे सर पर जो थैली लगाया वो देख रहा है। भाई मुझे विक्रांत ने कहा पाजी आ जाओ, शामी द प्लान है, तो मैं शामी द प्लान में सामान लेके आ गया। यहाँ आके पता चला कि शामी मोहम्मद शामी द प्लान है। तो पाजी सबका अलग व्हाइट सॉक्स क्यों है? ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने के हैं हम। एक ही व्हाइट नहीं, दूसरी भी है बच्चे। अच्छा एक बात मैं देख रहा हूँ, आजकल के जो जवान लड़के हैं इनको सीनियर की इज्जत नहीं है। बंदा बड़ा खड़ा हुआ है, दो बैठे हुए हैं विक्रांत। आजो जी। इधर आओ नहीं, जप्पी डालो इधर। नहीं नहीं, जप्पी तो मैं पाऊंगा, पप्पी भी पाऊंगा। जो विकटे तूने किलियां उखाड़ी हैं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कुर्सी इतनी जल्दी छोड़ते नहीं है, आप कुर्सी छोड़ दो कोई दूसरा आके लपक के बैठ जाता है। #MP Rajasthan। हाँ आप बैठो। हमने 2 बनाई है ना। 2 बनाई है लेकिन मेरे पास आप... मैं पोडियम पे नहीं खड़ा हूंगा विक्रांत, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत लोगों की किलियां उखाड़ता है ना,
इस बंदे का कुछ उखाड़ के दिखा तो बताऊं, 20 साल से आज तक मैं बैठा है, कोई इसका कुछ नहीं उखाड़ पाया है। 21 होने वाले हैं, 21 होने वाले, 21 होने वाले हैं। वैसे भी जिसका 7 मिलियन का पेज हो सकता है, स्पोर्ट्स तक के लिए भी तालियां हो जाए एक बार। ब्रांड इंटीग्रेशन कर देनी चाहिए, है ना। वैसे भी जिसके 7 मिलियन हो उससे मेल जोल बनाए रखना चाहिए। अब हम आना चाहते हैं शामी के पास। बच्चे बहुत फास्ट हो तुम, बहुत फास्ट हो। आज हम थोड़ा चेकअप और ले लेते हैं शामी की फास्टनेस का। सामान लाया जाए भाई, लाओ भाई। तो हमने कल देखा तुम्हारे इंस्टाग्राम पर रील थी जिसमें तुम बैटिंग कर रहे थे, बिल्कुल 5 नंबर के बल्लेबाज की तरह कर रहे थे, मजा आ गया। लेकिन आज जो करनी है ऐसे इन इधर बगलच पा के ऐसे ऐसे करना है। तो 30 सेकंड में कौन ज्यादा करता है देखते हैं। साथ में कौन करेगा? तू करेगा ना। कहाँ रखना है, जहां मर्जी दबा ले बच्चे, ऐसे भी कर सकता है। कौन सी चाहिए? विच बॉल डू यू लाइक? ये रंगीन है, ये पीली है। पीला रंग कंगारुओं की याद दिला रहा है मुझे, दबा करो पीली गेंद को यार। पीला रंग नहीं चाहिए हमें, रेनबो कलर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तू गिन रहा बच्चे? 14, 15, 17, 18, 19, 20, इनफाइनाइट हो गया है। तो यही तो कला है बच्चे, धर्म रिव्यू सिस्टम DRS करना पड़ जाएगा इसके लिए। एनीवेज एक गेंद मैं कराता हूं बच्चे, थोड़ी फिरकी करूंगा मैं कचरा की तरह। हाँ एक मारनी है। LBW, how was that? इधर गिरी है, लेग स्टंप के बाहर थी। पिचिंग लेग, पिचिंग आउटसाइड लेग। अच्छा बच्चे तू तेज तरार तो है लेकिन तुझे अभी खूंखार बनना बाकी है। उसके लिए जब भी गेंद फेंकने आए तो मेरा डायलॉग कह के आना है। क्या? जैसे मान ले सामने ये उन्हें किसकी तरफ इशारा करूं, हमारे ऑफिस से कौन नहीं, आज तक से कौन नहीं है ये। मान ले ये मिशेल स्टार्क है, ये वो मिशेल मार्श है बल्लेबाज। तो इसके पास गेंद फेंकने से पहले इसको कहना है, मेरे साथ साथ बोलियो, मार्श। बोलना है मार्श। अरे क्रिकेट खेलना, जंग लड़ना, जंग ही है वो हमारे लिए, तुम्हारे लिए भी। बोल मार्श। मार्श। मैं तेरी किलियां खा जाऊंगा। खा क्यों जाऊंगा, उखाड़ मेरा वो है ना, खून पी जाऊंगा तो मैंने किली खा जाऊंगा बोला था। अच्छा एक और डायलॉग है, जब ऑस्ट्रेलिया से अगली बार मैच होगा ना तो तुझे बोलना है कंगारू। मेरे से ज्यादा तू सेट लग रहा है। कंगारू चुन चुन के उखाड़ूंगा, चुन चुन के मारूंगा था। उखाड़नी है ना, अभी तूने कहा उखाड़नी है, फिर स्क्रिप्ट चेंज कर रहा है तू बच्चे। चुन चुन के उखाड़ूंगा, चुन के उखाड़ूंगा, चुन चुन के उखाड़ूंगा। अब एक मेरे को गेंद भी कैसे फेंकते हैं एक बार सिखाना, बॉलिंग सीखूंगा मैं आज शामी से। कैसे करते हैं बच्चे एक्शन? उससे खेलते हैं, उससे नहीं खेलते हैं। अपनी अपनी औकात की बात है ना बच्चे, चूज करो कौन सा। ये ठीक है मेरे लिए, बट इससे मैं ऐसे बताता हूं। अच्छा ऐसे बता, ऐसे पकड़ो। हाँ सीम से पकड़ो, सीम। अच्छा अरे सीम पे पकड़ो ना, सीम पे पकड़ा है बच्चे, इतनी गलतियां मत निकाल। ऐसे पकड़ो, ऐसे। अच्छा ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। अब इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, पूरा घुमाना है, स्ट्रेट। मेरी हैमस्ट्रिंग खींच गई है। और यार यहाँ कौन सी हैमस्ट्रिंग होती है? हैमस्ट्रिंग तो यहाँ, भाई मेरे ऊपर की हैमस्ट्रिंग है। हैमस्ट्रिंग इधर होती है, इधर होती है। ये कौन सी स्ट्रिंग होती है? अरे कोई स्ट्रिंग नहीं होती है, आ जाओ इधर। खिंचाव पड़ गया है। अच्छा हाथ घुमाइए सीधा। हाँ घुमाया और यहाँ से रिलीज करना है। अच्छा ऐसे सीधा, अरे वाह वेरी नाइस। अच्छा इसको करके दिखाओ, ऐसे ऐसे इसको करके दिखाओ ना इसको। ओह माय गॉड, हाउ डू यू मैनेज इट? वेरी गुड, वेरी नाइस। सीख गए ना, क्योंकि सीम पे देखो बहुत अच्छे से कर रहा है बच्चे तू। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन मैं थोड़ा बेहतर हूँ। जैसे ये 90 माइल्स फेंकता है, आउट कर देता है। मैं 90 मैं आउट कर देता हूँ। इसका ओवर 6 गेंदों में खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा ओवर हैंग हो जाता है, और जो हैंग ओवर है वो 3 दिन तक चलता है। बट बड़ा अच्छा लगा बच्चे,
बात करके आपसे। अब मेरी जैसे एंट्री हुई थी वैसे ही एग्जिट होगी, लेकिन ये नहीं। एक चीज तो दिखाओ। हाँ जी, ये झूठ क्यों बोला? इसमें क्या था? इसमें मुझे तो लस्सी कही गई थी, मोम है। और लस्सी जम गई है, सर्दी इतनी है, ये मोम लस्सी जम गई है। इसको मोम बोलते हैं, मोम बोलते हैं। चलो मोम बत्ती, ठीक है, अब नहीं करते शान पट्टी। म्यूजिक चलेगा, लेकिन मेरे पास दूसरा कप नहीं है, क्योंकि दूसरा कप तो ऑस्ट्रेलिया ले गई। माए, माए, माए। वर्ल्ड कप नहीं आएगा हमारे पास, मैं दाढ़ी बढ़ा के रखूंगा, तो T20 वर्ल्ड कप जिताना है बच्चे, ठीक है? चलें। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। चलो भाई म्यूजिक चला दो, आई एम गोइंग आउट। वी हैव नो डाउट शमी हमें आगे भी प्राउड महसूस कराता रहेगा। जोरदार ताली फॉर शमी, लव यू ऑल। आज लड़के के लिए रूप में आ जाते हैं। अच्छा, मैंने वर्ल्ड T20 की बात की, मोहम्मद शमी तो वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चलते हैं, मतलब वो मर्सिडीज घर में रहती है, मतलब फिर शादी वाले दिन निकलती है, वर्ल्ड कप आप आ जाते हैं उससे पहले, तो ये वर्ल्ड T20 में मोहम्मद शमी है। यार इसमें मेरी क्या गलती है? 20 में T20 है तो 21 में टेस्ट का है, 23 में पता चला वर्ल्ड कप है 50 ओवर, इसमें मेरी क्या गलती? मैं रेगुलर खेल रहा हूँ भाई। आपको आराम भी दिया जाता है ना, सो दैट तीनों फॉर्मेट खिलाए जाए। अब देखो डिपेंड करता है आपको आपकी गाड़ी कैसे यूज करनी है। वर्ल्ड T20 में मोहम्मद शमी ऑब्वियसली रेडी है, कोशिश करेंगे, जो गलती या बैड लक है नेक्स्ट टाइम ना हो। अच्छा, एक व्यू ये भी है कि रोहित शर्मा विराट कोहली को भी कंसिडर किया जाए वर्ल्ड T20 के लिए, आपका क्या मौकिफ है? यार इस डिपार्टमेंट में मैं घुसना ही नहीं चाहता, समझे, ये जो टॉपिक है ना ये थोड़े अलग से हैं। मैं एक ही चीज जानता हूँ कि आप अपनी टीम, अपनी कंट्री के जो प्लेयर्स हैं, अपने जो अपनी जो बोन है, आप अपनी स्ट्रेंथ को ऐसे यूज करो जो आपको विनर बना कर लाए। आप अपनी टीम वैसी बनाओ जो कप लेकर आए। अगर मेरे से कोई बेटर है तो मैं खुश हूं, मेरी जगह उसको लेकर जाओ। इसमें आपको कोई गिल्टी, आपको कोई मतलब जलन वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हो सकता है कि आज मैं अच्छा खेल रहा हूँ, कल कोई और अच्छा खेले, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आपको जलन होनी चाहिए या आपको कोई वैसा सवाल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी ही कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी ही कंट्री के लिए परफॉर्म कर रहा है, तो अगर बेटर कर रहा है तो हमेशा उसको सपोर्ट करना चाहिए। शमी, आपको लगता है कि इंडिया में आपने खुद माना कि बल्लेबाज एक स्टार होता है और ये हमेशा से रहा है। मुझे याद है कपिल देव ने इसी मंच पर एक बार कहा था कि यार, वो खुद फास्ट बॉलर थे, उन्होंने कहा इंडिया में ना बैट्समैन है वाइट कॉलर और बॉलर जो है वो मजदूर है ब्लू कॉलर। पर आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप के बाद फाइनली तेज गेंदबाजों को वो रिकॉग्निशन मिल रही है? आप हैं, बुमराह हैं, सिराज हैं। भाई आपने बात की है बॉलिंग और बैटिंग के कंपैरिजन में, क्या आज की डेट में अगर आप देखते हैं ना दोनों का कंपैरिजन, तो मुझे नहीं लगता कि बॉलिंग यूनिट बैटिंग यूनिट से कम है, क्योंकि उतना ही वेट है उधर भी। अगर आप देखेंगे तो आप किसी भी टारगेट को रोकने में सक्षम है आज की डेट। बट एक ही चीज कहना चाहूंगा, पिछले 6-7 साल को आप उठाकर देखिए रिकॉर्ड्स को, मुझे नहीं लगता बैटिंग पे ज्यादा लोड आने दिया है बॉलर्स ने। तो जो परफॉर्म किया है, जो इंडियन टीम का बॉलिंग यूनिट रहा है, उसने आपको ट्रस्ट करना, आपको परफॉर्म करके देना, आपको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया है। कि क्या कॉन्फिडेंस दिया है आपको कि हाँ, अगर हम बाई चांस अगर हम 200 पे आउट हुए, तो आपको ये कॉन्फिडेंस बोलर्स ने पैदा करके दिया कि हम 150 में आउट करेंगे। साउथ अफ्रीका है टेस्ट मैचेस, आपका नाम है टेस्ट मैचेस में, बट ये भी कहा गया कि सब्जेक्ट टू फिटनेस, तो आप जा रहे हैं साउथ अफ्रीका? मैं रेडी हूं अगर पेन नहीं रहा तो। कहां पर है पेन? क्योंकि काफी लंबे टाइम से हील में थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा था, तो अगर अब जाकर टेस्ट मुझे चेकअप करना है, अगर वो दोबारा से क्रिएट ना हो उस स्टेज में है, तो मैं जरूर टेस्ट मैच खेलने के लिए जा रहा हूँ। और
आपको पता ही है, मैं अगर टीम के लिए अगर मैंने स्टेप लिया है तो फिर तो चाहे टीम चाहे टांग कट जाए फिर तो करक ही हुआ बस पूरा। तो मैं वैसा हूँ कि दर्द का लेवल भी बहुत झेल सकता हूँ, तो एक बार पैर रखा तो वापस नहीं। फिर इसका मतलब मोहम्मद शमी साउथ अफ्रीका में नजर आएंगे। और आपने चूंकि बात की इंडिया की, और ऐसा नहीं है कि आप क्रिकेटर के तौर पर मुल्क के लिए करते हैं, मुल्क भी उस चीज को रिकॉग्नाइज करता है, और खबर ये आ रही है कि शायद जो अर्जुन अवार्ड है वो आपको मिल रहा है। नहीं पता। आ जाएगी? नहीं पता। नहीं, आपको आ जाएगी खबर? आ जाए, अच्छी बात है वो, क्योंकि ऑनर है कि अगर ये अवार्ड किसी को मिलता है, क्योंकि ड्रीम्स होते हैं लोगों के, जिसके लिए मुझे लगता है कभी कभी तो बहुत लोगों की तो लाइफ निकल जाती है, नहीं मिल पाते हैं। अगर मुझे मिलता है तो उससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती। तालियां तो हो जाएं। शमी आप आए, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अनफिनिश्ड बिजनेस जिसे कहते हैं ना, कि 2023 में जो नहीं हो पाया, 2024 में एक तो मोहम्मद शमी का एजेंडा क्या है, क्योंकि आज तक एजेंडा 2024 आगे आप देखते हैं कि आपका साल का एजेंडा क्या है, और आपकी क्रिकेट टीम यानी कि हमारी क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम का भी 2024 का एजेंडा क्या है, वो वहां पर आपको लिखना होगा। किधर? वहां पर। ये आपका अगले साल का गोल क्या है, आपका एजेंडा क्या है,